हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह और ये हैं श्रीवास्तव जी और ये हैं घनश्याम जी। ये दोनों लोग एक डीजी सेट की सर्विस करेंगे जो कि रेलवे में लगा हुआ है और कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं भी आया हूँ। तो मिल करके सब लोगों के साथ में एक इंजन की डीजी की सर्विस करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहें। तो हम लोग साइड पे पहुंच चुके हैं, कस्टमर से बात करने से पता लगा है कि इंजन 75 डिग्री टेम्परेचर पे ही शट डाउन हो जाता है, हाई टेम्परेचर का इंडिकेशन दे करके। ये डीजी सेट है ग्रीप्स का और 50 केवीए का है। इसके साथ में जो इंजन लगा हुआ है वो 4G11TA लगा हुआ है। ये 4 सिलेंडर का इंजन है और इसके साथ में जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो डीएससी 4520 का कंट्रोलर है। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर को चेक करेंगे कि इसमें ऐसा तो नहीं है, इसकी ट्रिपिंग जो है वो 75 डिग्री पे ही है या उससे ज़्यादा है। एक्चुअली होना चाहिए 96 ±3 की रेंज में ट्रिपिंग होना चाहिए। तो इसको क्या है कि इसमें मैनुअली कुछ नहीं किया जा सकता है, यानी हाथ से आप कोई भी सेटिंग देख नहीं सकते हैं ना कर सकते हैं। तो इसको लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा, उसके बाद लैपटॉप पर देखा जा सकेगा कि इसकी सेटिंग क्या है। इसकी ट्रिपिंग देखने के बाद ही इसमें आगे हम सोच पाएंगे कि इसमें ट्रिपिंग का इशू है या अपना सेंसर गड़बड़ है जो टेम्परेचर सेंस करता है या और कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और इसकी सेटिंग देखते हैं, इसकी ट्रिपिंग कितने डिग्री पे है। तो सबसे पहले लैपटॉप का पावर ऑन कर लेते हैं, उसके बाद पैनल खोलते हैं और इसको कंट्रोलर को लैपटॉप से डाटा केबल की मदद से कनेक्ट करते हैं। ये डाटा केबल जो प्रिंटर में पुराने वाले लगता था डाटा केबल, वही डाटा केबल है। अब इस डाटा केबल से हम इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा डीएससी कंट्रोलर लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब जाते हैं इसके सिस्टम में और डीएससी कॉन्फ़िगरेशन को हम खोलते हैं। और ये डीएससी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ओपन हो गया है। अब इसमें हम लेफ़्ट साइड टॉप में जाएंगे, वहाँ पे दो आइकन बने हैं, रीड टू मॉड्यूल, राइट टू मॉड्यूल। टॉप में जो दिख रहा है जहाँ पे हमारा कर्सर जा रहा है, इसको क्लिक कर देंगे और अपना जो भी कंट्रोलर का डाटा है वो लैपटॉप में आ जाएगा और सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए फाइल का कोई नाम देना पड़ेगा, तो हम इसको दे देते हैं एक नाम और इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर में देखेंगे कि टेम्परेचर ट्रिपिंग का सेटिंग क्या है। तो ये अब नाम पूछ रहा है फाइल का, क्या नाम देना है, सेव करना है तो कुछ नाम डाल देते हैं इसमें। फाइल का नाम सर्च करने के लिए हमने RVS डाल दिया है और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम डाटा केबल निकाल देंगे और दोबारा सिस्टम में जा करके चेक करेंगे कि इंजन की वाटर ट्रिपिंग जो है कितने डिग्री पे है। तो अब चलते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। सिस्टम में जाने से पहले डाटा केबल को बाहर कर लेते हैं। अब देखते हैं सेटिंग क्या कह रही है। तो हमको इंजन में जाना है, इंजन में जाने के बाद इंजन प्रोटेक्शन में जाना है। प्रोटेक्शन में वाटर टेम्परेचर का आ जाएगा और इसमें हमने देखा है तो 98 °C पे ट्रिपिंग दी हुई है और ऑयल प्रेशर की 2 kg/cm² पे ट्रिपिंग दी है। तो सिस्टम के अनुसार ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी ट्रिपिंग 96 ±3 होना चाहिए, उसके अंदर में है। तो इसका मतलब हमारा इंजन जो है ट्रिप कर रहा था, वो सही ट्रिप कर रहा था। अब इसमें और कोई समस्या हो सकती है, ये टाइमिंग से पहले ट्रिप नहीं कर रहा होगा, तो हमको और सिस्टम देखना पड़ेगा। अगर इसकी सेटिंग में कोई चेंज करना होता है तो हम लैपटॉप में ही सेटिंग चेंज कर लेंगे, फिर राइट टू मॉड्यूल कर देंगे और वहाँ पे जाके सेव कर देंगे, सेटिंग चेंज हो जाएगी।
तो अब चलते हैं इंजन की तरफ और देखते हैं क्या समस्या है, क्यों ओवरहीट हो रहा था इंजन। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले हम रेडिएटर चेक करेंगे टेम्परेचर के लिए और थर्मोस्टेट चेक करेंगे। तो सबसे पहले रेडिएटर का पानी खोल दिया गया है जो कि बहुत ही गंदा है और इससे लग रहा है रेडिएटर चोक होगा। तो सबसे पहले रेडिएटर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। इंटरनली तो ये चोक है क्योंकि वाटर की कंडीशन बता रही है ये चोक होगा। अब एक्सटर्नली एयर सर्किट को देखते हैं कितना चोक है, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसको सफाई करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो घनश्याम जी रेडिएटर डिसमेंटल करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बाहर निकालते हैं। तो रेडिएटर के होस क्लिप वगैरह निकल गए हैं, इसकी माउंटिंग खोल करके इसको बाहर लेते हैं। तो घनश्याम और श्रीवास्तव जी इसे डिसमेंटल कर रहे हैं। अब रेडिएटर को बाहर उठा करके रख लेते हैं और देखते हैं इसके एयर सर्किट की कंडीशन कैसी है। ओह माय गॉड, ये तो रेडिएटर बुरी तरीके से चोक है, इसको सफाई करने के लिए भेजना पड़ेगा। इसकी फिन्स पूरी तरीके से चोक हो रखी है, रेडिएटर को सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, तब तक हम लोग सर्विस करेंगे। तो सर्विसिंग के लिए सारे टूल टेकल तैयार कर लिए हैं और ये इसके सर्विसिंग के स्पेयर्स हैं जिसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर आदि हैं। तो सबसे पहले श्रीवास्तव जी इसके एयर फिल्टर चेंज करेंगे। ये ड्राई टाइप एयर फिल्टर है, इसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक इनर और आउटर। तो सबसे पहले पुराने निकाल दिए गए हैं और इसमें अब नए फिल्टर लगाए जाएंगे। ये सबसे पहले इनर एलिमेंट डाला गया है और इसके बाद आउटर लगा करके इसका कवर लगा दिया जाएगा। एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट का काम हो चुका है, अब हम चलते हैं इसके डीजल फिल्टर चेंज करते हैं। डीजल फिल्टर एलिमेंट एक एक लीटर कैपेसिटी के दो लगे हुए हैं, एक प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो दोनों फिल्टर्स एलिमेंट चेंज करते हैं। तो श्रीवास्तव जी चेंज कर रहे हैं एयर फिल्टर एलिमेंट, और फिल्टर एलिमेंट चेंज करने के बाद में इसमें हैंड प्राइमर द्वारा फिट किया जाएगा डीजल और एयर इसकी निकाल दी जाएगी। ये है प्राइमरी एलिमेंट, इसको डीजल फिल्टर बोलते हैं, प्राइमरी एलिमेंट है। और इसके अलावा एक पेपर का सेकेंडरी एलिमेंट लगता है। तो श्रीवास्तव जी प्राइमरी एलिमेंट टाइट कर रहे हैं। और ये सेकेंडरी एलिमेंट है, इसको भी टाइट किया जा रहा है। तो दोनों डीजल फिल्टर लग चुके हैं, अब इसको हैंड प्राइमिंग पंप की मदद से इसकी एयर निकाल देते हैं। और ये हैंड प्राइमिंग पंप की जा रही है और थोड़ा सा फिल्टर लूज करके इसकी एयर निकाल देते हैं, थोड़ा सा डीजल गिर जाएगा उसके बाद में एयर के साथ में, उसके बाद में प्योर डीजल आने लगेगा। उस समय हम दोनों फिल्टरों के नट बोल्ट टाइट कर देंगे और बोल्ट टाइट करने के बाद में भी हम 8-10 बार हैंड प्राइमिंग पंप मार देंगे और इसकी सारी एयर निकल जाएगी। फ्यूल सिस्टम की सारी एयर निकल गई है, अब ये फ्यूल सिस्टम का हमारा काम ख़त्म होता है। अब चलते हैं ऑयल फिल्टर की तरफ और उसको बदलते हैं। ये ऑयल फिल्टर पुराना वाला खोला जा रहा है और इसके नए वाले फिल्टर के जो ओरिंग है उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर लगा देंगे। उसके बाद में हम हैंड टाइट ही करेंगे, ओवर टाइट नहीं करना है, नहीं तो खोलने में दिक्कत होगी।
अब ये नया ऑयल फिल्टर लगाया जा रहा है और जब तक श्रीवास्तव जी ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, घनश्याम जी पुराना ऑयल ड्रेन करके नया ऑयल डालेंगे। इसमें लगभग 15 लीटर के आसपास में लुब्रिकेंट पड़ता है, 15W40 ग्रेड का तेल पड़ता है। अब हमारा ऑयल सर्किट का कार्य ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी टैपर सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले राकर कवर खोलते हैं, उसके बाद में टैपर सेटिंग करते हैं। तो चारों राकर कवर खुल गए हैं। अब हम इसकी पोजीशन ले लेते हैं, जिनको घुमा करके कंप्रेशन स्ट्रोक में ले लेते हैं। तो उसमें क्या रहता है, किनारे किनारे के एक साथ में आएंगे और बीच बीच के दोनों एक साथ में आएंगे। तो हमारा किनारे वाला दोनों आ गए हैं, उसमें से दूसरी साइड वाला इंड वाला जो है वो डांसिंग पोजीशन में है, दोनों पुसरा टाइट हैं और जिसके दोनों फ्री हैं उसको अब हम करेंगे। ग्रीप्स की रिकमेंडेशन के अनुसार हर 500 घंटे इंजन चलने के बाद टैपेट सेटिंग चेक करनी होती है। टैपेट क्लीयरेंस प्रॉपर रखने का कारण ये होता है क्योंकि जब ये इंजन चलता है तो इसमें हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से वाल्व मैकेनिज्म के जितने भी मेटलिक पार्ट है उसमें थर्मल एक्सपेक्शन होता है, उसके कारण में इसमें अपना टैपेट क्लीयरेंस रखा जाता है। तो सिलेंडर नंबर 1 का टैपर सेटिंग हो गया है। अब हम चलते हैं इंजन को घुमा करके दूसरा पोजीशन पे लेते हैं। तो अब हमारा 2 और 3 नंबर सिलेंडर जो है TDC पे आ गया है। इसमें से हम देख लेते हैं जिसका दोनों वाल टाइट हैं उसको हमको नहीं करना है, जिसके दोनों फ्री हैं उसकी टैपर सेटिंग करनी है। तो हम सिलेंडर नंबर 2 का टैपर सेटिंग करने जा रहे हैं, इसके दोनों पुसरार जो है फ्री हैं। टैपर सेटिंग का फंडा ये है कि सबसे पहले हम इसके लॉक नट ढीले कर लेते हैं, उसके बाद फिलर गेज को हम इंसर्ट कर देंगे वाल और टैपेट के बीच में, और इसके बाद में हम स्लाइटली टाइट करेंगे, वहाँ तक टाइट करेंगे जब तक हमारा फिलर गेज स्लाइटली टाइट नहीं हो जाता है। उसके बाद में हम लॉक नट की मदद से इसको लॉक कर देंगे। तो यही प्रोसेस होता है टैपर सेटिंग का। और टैपर सेटिंग हर 500 घंटे पे चेक क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जो वाल मैकेनिज्म में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो पार्ट लगे हुए हैं मैकेनिकल, वो क्या होता है उसमें वेयर एंड टियर होता है, जिसके कारण से इसका क्लीयरेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हमको 0.4 मेंटेन करना होता है। अगर टैपर क्लीयरेंस ज़्यादा हो गया तो नॉइस करेगा और वाल जो ओपन करने का जो टाइमिंग है वो थोड़ा लेट में खुलेगा और जल्दी बंद हो जाएगा, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। आज हमें भी काफ़ी समय बाद टैपर सेटिंग का मौका मिल गया, तो हमने सोचा आज अपने हाथ साफ कर लेते हैं। तो अब हमारा लास्ट वाला टैपर सेटिंग करना है हेड। ये हमारा 3 नंबर सिलेंडर हेड है और ये पोजीशन में आ चुका है। अब इसको भी सेट कर लेते हैं, टैपर सेटिंग सेट कर लेते हैं। अभी चारों सिलेंडर की टैपर सेटिंग हो चुकी है। टैपर सेटिंग करने के बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जितने भी नट बोल्ट हमने खोले थे उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, और ये जिनको नहीं भी खोले थे अगर लगे हुए हैं तो उनको एक बार टाइटनेस उसकी चेक कर लेते हैं। उसके बाद राकर कवर हम लोग लगा देंगे, उसके साथ में राकर कवर गैस्केट के साथ में एडिसिव लगा करके राकर कवर बंद कर देंगे और ये हमारा काम टैपर सेटिंग का भी समाप्त हो चुका है।
इसका रेडिएटर साफ होकर के आ गया है। घनश्याम जी और श्रीवास्तव जी अब रेडिएटर लगाएंगे, उसके बाद में हम इंजन स्टार्ट करके देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी है। इंजन का रेडिएटर फिट हो चुका है और इसमें कूलेंट डाल दिया गया है। अब इंजन को चला करके देख रहे हैं हम लोग, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और इसका टेम्परेचर भी विदिन लिमिट आ गया है, 75 डिग्री जा रहा है और इंजन स्मूथ चल रहा है। बस इतना ही सब कुछ करना रहता है सर्विसिंग में, या अगर ओवर हीटिंग हो रही तो रेडिएटर साफ करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये आपके लिए ज़रा भी लाभप्रद रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।